और लगातार बड़ी खबरें आ रही है, वेस्ट बैंक में फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद लोगों का विरोध, इजरायली सेना की फायरिंग में युवक की मौत की खबर है। नाराज लोगों ने चेक पॉइंट में आग भी लगा दी। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे आग लगा दी गई है। ये चेक पॉइंट है, नाराज लोगों के गुस्से का शिकार चेक पॉइंट जहां पर आग लगा दी गई। ये पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इजरायली सेना की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। तो चारों तरफ से इसी तरीके से हमले और तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। अतुल भारद्वाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग शुक्ला सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार उनसे भी हम समझ रहे हैं कि आखिर कितने भीषण हालात हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उनका रुख करें, उससे पहले करुणा के पास चलते हैं। और बिल्कुल आप यहां पर देखें, हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर जो वॉर फ्रंट है वो खुला हुआ है, कहां से हमले हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आखिर जो वॉर फ्रंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर लेबनान है का बॉर्डर है, उधर गाजा पट्टी है जहां पर लगातार हमले, और इधर यरूशलम की बात की जाए तो अलग सा मस्जिद जहां पर है, यहां पर कहा जा रहा है कि युद्ध और भी भीषण हो सकता है। तो हो क्या रहा है, कहां कहां पर ये तमाम फ्रंट खुले हुए हैं? जी अगर हम वॉर फ्रंट की बात करें, एक्टिव वॉर फ्रंट की, तो वो सिर्फ गाजा पट्टी पे खुला हुआ है। गाजा पट्टी के अलावा पैलेस्टाइन पॉपुलेशन वेस्टर्न बैंक में भी है, सीरिया के साउथ में भी है और लेबनान के साउथ में भी है। लेकिन जो वॉर फ्रंट है जहाँ पे एक्टिव मिलिटेंसी चल रही है, जो कि रेजिस्टेंस चल रहा है, वो सिर्फ गाजा पट्टी पे है। जो अभी न्यूज़ आ रही है कि आज एक युवक की मौत हो गई, वो वेस्टर्न यरूशलम के पास वेस्टर्न बैंक की तरफ हुआ है, लेकिन ये एरिया एक्टिव उसमें इन्वॉल्व नहीं है फायरिंग में। फायरिंग सिर्फ यहाँ पे चल रही है, होस्टेजेस जितने भी लिए गए इसराइल के वो इसी एरिया में आए हुए हैं जी। और अभी यहां पर भी हम देख रहे हैं, यहां से भी जो लेबनान से भी जो यहां मूवमेंट है जो इसराइल की, वो तेज हो गई है। और कुछ और भी मूवमेंट्स हम देख पा रहे हैं कि गाजा पट्टी की तरफ भी, अगर हम उस तरफ देखें तो गाजा पट्टी की तरफ भी उसको पूरी तरह से घेरा गया है। तो ये अभी क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? जी सबसे ज्यादा इसराइल की जो चैलेंज है वो गाजा पट्टी को कंटेन करने की है, यानी कि इसके अंदर जो लड़ाके हैं वो उस एरिया से बाहर ना आ पाएं और दोबारा अटैक ना कर पाएं। अगर हम ऊपर नदन फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हिजबुल है और सीरिया के साउथ में भी हिजबुल है जो कि इनकी हमास की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ रॉकेट दागे गए थे लेकिन यहाँ पे एक्टिव फाइटिंग नहीं चल रही है, ये लोग आपस में फायरिंग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ से भी कुछ रॉकेट आए थे और इसराइल ने भी सीरिया के साउथ में, लेकिन यहाँ पर मोर्चा खुल सकता है इसकी पूरी आशंका यहाँ पर भी बनी हुई है। 3 लाख के जो रिजर्विस्ट अभी जो बुलाए हैं इसराइल ने, उनकी जो मेजर डिप्लॉयमेंट है वो इस एरिया में ही है।